बिहार में बंपर बहाली, 12वीं पास युवाओं के लिए निकली जबरदस्त वैकेंसी। बिहार में नौकरी पाने के लिए वैकेंसी का इंतजार कर रहे 12वीं पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 12वीं पास और स्नातक के छात्रों के लिए BTSC में 584 खाली पदों के भरने के लिए वैकेंसी निकाली गई है। BTSC ने फिशरीज ऑफिसर और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार BTSC के आधिकारिक वेबसाइट btsc.bih.nic.in पर जाकर 5 मई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर के 212, फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर के 136 और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के 236 पदों को भरने के लिए यह बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। औद्योगिक मत्स्य ऑनर्स में BSc डिग्री या एग्रीकल्चर में डिग्री वाले छात्र फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय से मत्स्य पालन में ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाले स्टूडेंट्स फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर बन सकते हैं। जिन छात्र छात्राओं ने साइंस स्ट्रीम 12वीं पास किया है और उनके पास ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कोर्स में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी है तो वे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट बन सकते हैं। सबसे ज्यादा ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का ही पद खाली है। बिहार में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 48 घंटे में 7200 से ज्यादा नए केस। बिहार में कोरोना की स्थिति बेकाबू होती जा रही है। हर दिन कोरोना के आंकड़े नया रिकॉर्ड बना रही है। 48 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 7200 के पार करते हुए 7225 पर पहुंच गया है। वहीं 12 मरीजों ने अब तक इलाज के दौरान अपनी जाने गंवाई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के सक्रिय संक्रमितों की संख्या 14695 पर पहुंच गई है। इनमें 3756 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान रविवार को हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक कोरोना से 283229 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1610 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। राज्य में चलाए जा रहे कोरोना टेस्ट अभियान के दौरान रविवार को 3756 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके पहले बीते साल 14 अगस्त को 3911 नए संक्रमितों की पहचान एक दिन में हुई थी। करीब 7.5 महीने के बाद फिर अधिकतम संक्रमितों की पहचान की गई है। नौकरी के लिए निकली बंपर बहाली, अभी करें अप्लाई, 60,000 से 2,00,000 तक मिलेगा वेतन। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए MCL एक खुशखबरी लेकर आई है। चिकित्सा में रुचि रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL में सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट और सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए बंपर बहाली निकाली गई है। नौकरी पाने वाले युवाओं को 60,000 से 2,00,000 तक वेतन दिया जाएगा। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL ने 70 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट, सीनियर मेडिकल ऑफिसर और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को योग्यता और पद के अनुसार 60,000 से 2,00,000 तक के वेतन प्रतिमाह मिल सकते हैं। आपको बता दें कि MCL यानी कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की एक उपकंपनी है जो भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन में आती है। यहाँ सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट के 40, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 28 और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेंटल के 2 पदों पर बहाली निकाली गई है। आपको बता दें कि उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को दिए हुए पते पर ओरिजिनल दस्तावेजों के साथ पहुंचना है। यदि किसी उम्मीदवारों के पास योग्यता के अनुसार दस्तावेज नहीं है तो उन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीदवार को पहले एक आवेदन डाक पते पर भी भेजना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप MCL के आधिकारिक वेबसाइट www.mahanadikol.in पर या www.kolindia.in के करियर सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मुखिया, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य समेत 6 पदों के लिए एक साथ चुनाव होने वाला है, लेकिन अब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया है। हालांकि सभी उम्मीदवार जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में पंचायत चुनाव इस बार बैलेट पेपर से नहीं बल्कि EVM से होने वाला है, लेकिन ये मसला अब तक फंसा हुआ है जिसके कारण चुनाव की तारीखों का ऐलान में देरी हो रही है। देरी ही नहीं, काफ़ी देरी हो रही है, क्योंकि 2016 में 24 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव हो गया था, लेकिन इस बार तो शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया है, जबकि 2016 में 25 फरवरी को ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी। गौरतलब हो कि पटना हाईकोर्ट में बिहार और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच EVM और बैलेट पेपर को लेकर याचिका दाखिल की गई है। इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं आया है। आपको बता दें कि अब तक 7 बार फैसला टाला जा चुका है। पहले माना जा रहा था कि 19 फरवरी को पटना हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब 21 अप्रैल को इस बार फैसला आने की उम्मीद है।
पटना के लोगों को जल्द ही अशोक राजपथ पर लगने वाले लंबे चौड़े जाम से छुटकारा मिलने वाला है। पहली बार राजधानी में डबल डेकर एलिवेटेड रोड के निर्माण से जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। निर्माण की यह जिम्मेवारी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम पर सौंपी गई है। आपको बता दें कि अशोक राजपथ के संकरा होने के कारण डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने का निर्णय किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस डबल डेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण कारगिल चौराहे से होगा। इसकी लंबाई 2200 मीटर लंबी होगी। निर्माण कार्य में लगभग 442 करोड़ की लागत आएगी। इस पुल के टेंडर का काम इसी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगा। डबल डेकर एलिवेटेड रोड के निर्माण से अशोक राजपथ पर लगने वाला भीषण जाम खत्म हो जाएगा। तैयार होने वाले डबल डेकर रोड में कारगिल चौराहे से पीएमसीएच, पटना कॉलेज, एनआईटी की तरफ जाने वाले लोग दूसरे तल से जा सकेंगे, जबकि एनआईटी से गांधी मैदान की तरफ लोग पहले तल से आएंगे। गांधी मैदान की तरफ से आने वाले एलिवेटेड सड़क बीएन कॉलेज के पास नीचे गिरेगी। वहीं पटना में बनने वाले डबल डेकर एलिवेटेड रोड की कनेक्टिविटी पीएमसीएच के पास दी जाएगी। देश विदेश में नए कोरोना के मामले बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो गई है। प्रतिदिन हजारों नए केस सामने आ रहे हैं। राज्य में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में वर्चुअल मीटिंग की जाएगी। शुक्रवार को बिहार में नई गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद राजभवन की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। बिहार में कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। वर्चुअल तरीके से यह बैठक की जाएगी। शनिवार को बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात के बाद यह अहम निर्णय लिया गया है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट कल जारी किया गया है, जिसमें कुल 11,838 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सफल अभ्यर्थियों में 43% महिलाएं शामिल हैं। बिहार की महिलाओं के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही महिला पुलिसकर्मियों के मामले में बिहार देश भर में पहले रैंक पर है। इंडियन पुलिस मानव संसाधन के 1 जनवरी 2020 के आंकड़ों के अनुसार बिहार पुलिस में सर्वाधिक 25.30% महिलाएं हैं। आपको बता दें कि देश में महिला पुलिसकर्मियों की कुल क्षमता 215,504 है। इनमें केवल बिहार में पुलिस बल की क्षमता 91,862 है, जिसमें 23,245 महिला पुलिसकर्मी है, जो कुल संख्या का 25.30% है। हालांकि संख्या के मामले में सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कुल पुलिस बल की क्षमता 3,03,450 है, जिनमें 29,112 महिला पुलिसकर्मी है। यह कुल संख्या का 9.59% है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, सभी जिलों के डीएम को दिया गया ये निर्देश। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर तेज कर दी गई है। इस बीच नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस बड़े फैसले से प्रशासनिक कर्मियों को थोड़ी राहत मिली है। सरकार ने इस बार पुराने आरक्षण के आधार पर ही पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया है कि वार्ड से लेकर जिला परिषद तक आरक्षण नियमावली के अनुसार जो भी सीट आरक्षित है उसकी सूची 48 घंटे के अंदर पंचायत स्तर तक सार्वजनिक कर दिया जाए, ताकि किसी भी उम्मीदवार को नामांकन करने में कोई परेशानी न हो। पंचायत चुनाव में इस बार रोस्टर नहीं बदलने वाला है। पहले की तरह ही पद आरक्षित रहेंगे, यानी कि जैसे पिछले चुनाव में हुआ था वैसे ही इस बार भी चुनाव कराया जाएगा। पहले की तरह आरक्षित पद के अनुसार पंचायत चुनाव में ही पिछड़े वर्ग के 127 जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। पंचायत चुनाव में इन जाति के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र सौंपना होगा। जाति प्रमाण पत्र सही नहीं पाए जाने पर उनका नामांकन पत्र रद्द होगा और गलत जाति प्रमाण पत्र देने पर उनकी सदस्यता चली जाएगी। गौरतलब हो कि नीतीश कैबिनेट की ओर से राज्य में नए नगर निकायों के गठन की मंजूरी दी है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जो पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के निर्देश दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों व ग्राम कचहरी के पदों पर आम निर्वाचन 2021 के विभिन्न पदों को डिजिटाइज कर दिया जाए। बिहार में शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया में अब बड़ा बदलाव होने वाला है। नियोजन में आने वाली तमाम तरह की लापरवाही की शिकायतें अब दूर करने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग इस ओर कई महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। शिक्षा विभाग की इस तैयारी को असली जामा पहनाते ही शिक्षक नियुक्ति में मनमानी करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी। विभाग अब बड़ी निगरानी के बीच शिक्षकों को नियुक्त करने की तैयारी कर रहा है। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान मनमानी की शिकायतें आम है।
कई ऐसे शिकायत आम बन चुके हैं जिनमें ये आरोप लगते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति में मनमानी और गड़बड़ झाला होता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा विभाग अब इन नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। नियोजन की पूरी प्रक्रिया कड़ी निगरानी में की जाने की तैयारी की जा रही है। केवल आवेदन ही नहीं बल्कि मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन ही तैयार किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की मीटिंग सोमवार को मेयर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में हुई। स्वास्थ्य कारणों से उप मेयर मर्दन शुक्ला वर्चुअल तरीके से मीटिंग में जुड़े। मीटिंग के दौरान एक दर्जन एजेंडे पर चर्चा हुई, इसके बाद इसे मंजूरी दी गई। गर्मी बढ़ने के साथ शहरी क्षेत्र में गहराए पेयजल संकट को देखते हुए 30 अप्रैल से पहले शेष बचे 6 जलमीनार को चालू करने का डेडलाइन तय की गई है। 10 में से 4 जलमीनार एक सप्ताह पहले चालू हो चुका है। मेयर ने मरम्मत कार्य में लगी एजेंसी को हर हाल में तय अवधि के बीच वाटर टावर को चालू कर निगम को हैंडओवर करने को कहा है। साथ ही जितने भी खराब चापाकल हैं पार्षदों के साथ तालमेल स्थापित कर अविलंब मरम्मत कराने का निर्देश दिया है। साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से 7 नए बॉबकट मशीन की खरीदारी होगी। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।